सही गलत का फैसला करना मुश्किल हो रहा हो तब खुद को समाज के सबसे गरीब और वंचित व्यक्ति की जगह खुद को रखकर फैसला लेना चाहिए। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत टीवी के मतदान केंद्र पर रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को लाइव सुनने के उपरांत उपस्थित जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्म दिवस को ध्यान में रखते हुए बताया कि महात्मा गांधी के विचार और दृष्टिकोण क्या था। उन्होंने कहा कि जब भी मन में सवाल उठे कि सही या गलत क्या है, तब सबसे गरीब और वंचित लोगों की जगह खुद को रखकर फैसला लेना चाहिए। गरीब से गरीब व्यक्ति को लाभ मिले, न्याय मिले, ये पहली बात प्रधानमंत्री ने आज कही है। सरकार द्वारा बीपीएल को दिए जाने वाले लाभ पात्र लोगों को मिले, इसके लिए हमने अपनी सरकार में निर्णय लिया था कि बीपीएल का चयन ग्राम सभा में किया जाना चाहिए। धूमल ने कहा कि जब से प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान देश में चलाया है, तब से आज तक 3 लाख बच्चों की जान गंदगी न होने के कारण बची है, ऐसा एक सर्वे में आया है। स्वच्छता के ऊपर आज भी प्रधानमंत्री ने बहुत जोर दिया है। स्वच्छता से वातावरण ही साफ नहीं होता, बल्कि हम अपने आसपास के लोगों को बीमारियों से भी बचाकर अच्छा स्वास्थ्य देते हैं। प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी के स्वच्छता के संदेश पर काम किया है। करोड़ों अरबों रुपए देश भर में शौचालय बनाने के लिए मोदी सरकार ने दिए हैं। लगभग 8 करोड़ शौचालय देश में बने हैं। प्रोफेसर धूमल ने कहा कि मोदी ने अपने संदेश में बताया कि देश को कहां जाना है, आने वाले पर्वों की बधाई दी, बताया कि कैसे सद्भाव से उन्हें मनाना है। पूर्व सीएम ने नशेड़ियों से समाज में उत्पन्न हो रही समस्या को गंभीर बताते हुए कहा कि नशे में फंसा इंसान अपने परिजनों के साथ साथ समाज के लिए भी अच्छा नहीं है, तो समाज का हर वर्ग खासकर मातृशक्ति आगे आए, ऐसे लोगों को समझाए और यदि नहीं मानता है तो बहिष्कार करे। ये नशा कौन बांट रहा है, कौन इस जाल को बढ़ा रहा है? जो भी लोग नशा करने के लिए उत्साहित करते हैं, पैसा देते हैं, भगवान उनकी आत्मा को जगाए। मात्र अपना कोई स्वार्थ पूरा करने के लिए किसी को नशे में झोंक देना, उसकी जिंदगी तबाह कर देना सही नहीं है। पूर्व सीएम ने आह्वान किया कि महिलाएं, वृद्ध, युवा सभी इकट्ठे होकर आगे आएं और ऐसा काम करने वाले लोगों के आगे दीवार बनकर खड़े हो जाएं, हिम्मत के साथ उनको मुंह तोड़ जवाब दें। इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष राकेश ठाकुर, मंडल अध्यक्ष रंजीत सिंह, जिला मीडिया प्रभारी अंकुश दत्त शर्मा, महामंत्री पवन शर्मा, कैप्टन मंगत राम, जिला कार्यकारिणी सदस्य सतीश शर्मा आदि उपस्थित रहे। आप सब ने यहाँ बैठकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का संबोधन मन की बात के माध्यम से सुना है, तो राजनीतिक लोगों के साथ जो बैठे तो अपनी अपनी बात करते हैं। समाचारों का समय हुआ तो मैंने कहा जरा रुको, अब सुन लो बात, समाचार क्या आता है। तो अपने आप को जो सबसे गरीब आदमी है, सबसे वंचित आदमी है, उसके स्थान पर महसूस करूं।